तो अभी जो है संडे की मॉर्निंग हो चुकी है और ये जनाब यहाँ पे पता नहीं क्या मोबाइल यूज़ कर रहा है और ये सुबह से मुझे उठा रहा है। मम्मा उठो, एक दिन भी मुझे सुकून से नहीं छोड़ देते, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम संडे वाले दिन तो सुकून से सो जाया करो जहांगीर। कल बेटा देखना स्कूल जाओगे ना, 6 बजे उठा के बिठाऊंगी, एक दिन भी सुकून से नहीं। अभी मैंने तुरई की कटिंग कर दी है, आज नाश्ते में तुम लोगों को तुरई की सब्जी खिलाऊंगी। और कल क्या सीन हुआ था बता दो, कल रात को क्या सीन हुआ था जहांगीर? मैं दावत में गई और वहाँ पे हलीम था और जहांगीर मेरे साथ गया नहीं था, है ना? और जो जहांगीर के हिस्से का आया वो मैं लेकर आना भूल गई और जहांगीर को फिर भूख लग गई रात को बट अब तो फिर रात को लेट नाइट कुछ मिलेगा ही नहीं अभी, इसीलिए मैं जा रही हूँ तुरई की सब्जी बनाने। और यही बात नीचे सो रहा है, बस यही बच्चा बेचारा सुकून वाला है मेरा, जो सोता है संडे आराम से मनाता है अपना, सो रहा है, उसको होश ही नहीं है। बाकी ये उठ जाए वैसे बस कर दें, और संडे को हमारा जो ब्रंच है, ब्रंच यानी कि ब्रेकफास्ट तो नहीं होता, लंच और ब्रेकफास्ट साथ होता है और वो इस टाइम पर हो रहा है अभी। और ये रही तुरई, तो रात को जो है मैं गई हुई थी दावत में और बच्चे मेरे नहीं गए थे, बच्चे मेरी अम्मी की तरफ थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मेरा जो है दावत में जाना ज़रूरी था। और इसका व्लॉग जो है वो आपको इंशाल्लाह ताला अम्मी के चैनल पे बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। मैं नहीं बना सकी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, तो बस थोड़ी हिम्मत नहीं हुई और आज भी काफ़ी हिम्मत करके बस मैंने सोचा कि चलो संडे रूटीन जो है यानी कि संडे की मॉर्निंग की रूटीन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाए, क्योंकि संडे का जो दिन होता है लोग कहते हैं कि काफ़ी जो है छुट्टी वाला होता है और ये वो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संडे के दिन तो आप कुछ ज़्यादा ही बिजी हो जाते हो क्योंकि हस्बैंड और बच्चे घर में होते हैं तो आपको नाश्ता भी थोड़ा अच्छा बना के देना पड़ता है और बच्चे घर में जब होते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो आपको कुछ ना कुछ काम में बिज़ी रखते हैं। तो मेरी तो खैर संडे रूटीन काफ़ी ज़्यादा बिजी जाती है, कोई मुझे इतना जो है ना आराम नहीं मिलता। बस हाँ ये होता है कि सोने का थोड़ा सा बस रिलैक्स होती हूँ कि बस सुबह जल्दी उठने की जो कहानी होती है ना वो नहीं होती, बाकी काम संडे वाले दिन भी बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि इस दिन मैट भी नहीं आती, सारा काम आपको खुद को करना पड़ता है। और अभी सुबह नाश्ते में बन रही थी तुरई की सब्ज़ी जो कि बहुत ही झटपट बन रही है। सिंपल मैंने ऑयल के अंदर जो है सफ़ेद ज़ीरा डाला है, ज़ीरा डालने के बाद मैंने जो है प्याज डाली थी इसमें लंबाई में काट कर, और मुझे जो है ना तुरई की सब्ज़ी में प्याज थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, अगर आप कम खाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। साथ में ही मैंने जो है टमाटर डाल दिए थे और मसालों में मैंने पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर जाएगा, पिसा हुआ धनिया जाएगा और नमक हसबे ज़रूरत हसबे जायका। और इन मसालों में तुरई की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, काफ़ी सिंपल मसाले होते हैं लेकिन तुरई खुद इतने जायकेदार होती है कि मुझे तो खैर ये बहुत ही अच्छी लगती है और मेरी जो है ना फेवरेट सब्ज़ियों में से ये एक सब्ज़ी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं इसे दो टाइम भी खा लेती हूँ, ईजिली मैं इसको दो टाइम खा लेती हूँ। वरना सब्ज़ियों का ये होता है कि वैसे तो मैं एक टाइम खाती हूँ, दूसरी टाइम मुझसे नहीं खाई जाती, लेकिन वाहिद ये सब्ज़ी है जो कि मैं 2 से 3 टाइम भी आराम से खा लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने तुरई जो है इन मसालों के अंदर डाल दी थी और अब मैंने शामिल कर दिए इसमें हरी मिर्चें, और पानी आपको डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि तुरई खुद इतना पानी अपना छोड़ देती है कि पानी की जो है ना ज़रूरत नहीं होती है। तो बस तुरई को ढककर मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए बनाऊंगी और यहाँ पे ये पक्के रेडी हो जाएगी 5 से 6 मिनट के अंदर। और यहाँ बस मैं आटा गूंद रही थी और आटा जो है ना आज क्योंकि संडे है तो बस मैं इतना ही गूंद रही हूँ कि सुबह नाश्ते के लिए ही बस हो जाए, क्योंकि ये लोग मुझे पता है कि रात को अगर ये लोग सुबह खा रहे हैं ना पराठे और रोटियाँ तो रात को ये लोग या तो चावल मांगेंगे या तो कोई बर्गर वगैरह मांगेंगे, और रात को ये लोग रोटी के नाम से ही जो ना बोलेंगे कि नहीं अब हमें रोटी नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं आटा बस थोड़ा कम ही गूंद रही थी। और बहुत से लोग जो हैं वो तुरई को गोश्त के साथ भी बनाते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गोश्त के साथ अगर आपने कोई सब्ज़ी बना ली तो फिर वो गोश्त का जो एक मकसद होता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम गोश्त से बचने के लिए तो सब्ज़ी बना रहे होते हैं और अगर आप सब्ज़ी के अंदर भी गोश्त शामिल कर दें तो फिर फ़ायदा नहीं है। और देखें यहाँ पर मज़ेदार सी जो है तुरई की सब्ज़ी बन के हो गई है रेडी, और इसकी आप शक्ल देख सकते हैं, ये शक्ल में जितनी अच्छी लग रही थी ये खाने में भी उतनी ज़्यादा ज़बरदस्त बहुत अच्छी बनी। और अब मैं आ गई थी यहाँ पराठे बनाने के लिए, और मुझसे किसी ने पूछा था कि आप अपनी रोटी की जो कहानी है ना वो थोड़ी सी शेयर करें, तो मेरी रोटियों का जो एक्सपीरियंस है बड़ा फ़नी सा है और बहुत सिंपल सा था कि भाई शादी से पहले अम्मी ने कभी रोटियां वगैरह बनवाई नहीं, और यही होता है कि जब आप कोई काम इतना ज़्यादा करते हुए नहीं आते तो आपको प्रैक्टिस नहीं होती और रोटियाँ जो आपकी अच्छी बनती हैं वो प्रैक्टिस से बनती है। तो शादी के जो शुरू में था ना काफ़ी नक्शे बनाए, काफ़ी टेढ़ी वेढ़ी जो है ना रोटियाँ बन जाती थी मुझसे, लेकिन जो है ना
मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और कभी मैंने रोटी बनाने से मना नहीं किया, इनकार नहीं किया, बनाती रही और आज अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल गोल रोटी और अच्छी वाली रोटी जो होती है वो मुझसे बन जाती है। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि शायद जो कि बहुत ज़्यादा रोटियाँ बनाने के जो एक मास्टर होते हैं ना, जो रोज़ाना बना रहे होते हैं काफ़ी काफ़ी ज़्यादा रोटियाँ, तो उनके मुकाबले में मुझे अपनी स्पीड थोड़ी सी कम लगती है। क्योंकि रोटियों का यही है कि जितनी ज़्यादा आप बनाते हो आपका हाथ उतना ही ज़्यादा तेज़ भी चलता है और आप उतने ज़्यादा माहिर हो जाते हो। तो खैर रोटियां बन ही जाती हैं, इतना ज़्यादा इशू नहीं बनाना चाहिए इसके बारे में। मैन जो होता है वो सालन होता है, वो जो हम उसके साथ मील खा रहे होते हैं, चाहे वो दाल हो चाहे वो गोश्त हो, वो जो है ना जायके वाला होना चाहिए रोटी का। तो क्योंकि देखिए ना, बस शेप का ही मसला होता है, वरना जायका तो रोटियों का सेम ही होता है। तो इतना ज़्यादा नहीं एक एक चीज़ को जो है लेके बैठना चाहिए, इतनी मेजरमेंट नहीं लेके बैठनी चाहिए कि यहाँ से ये ऐसी तिरछी है, यहाँ से ये ऐसी है, थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। वक्त के साथ साथ हर चीज़ सबको आ जाती है। पिज़्ज़ा बनाया तुमने? हाँ पिज़्ज़ा बना दिया मैंने। क्या है ये? पता नहीं, खा के बताएं कैसी बनी है। बिला वजह के ना संडे वाले दिन ज़्यादा ही कुछ खाएं लड़ाकू। वो खा लेंगे, वो बात अलग है। हाँ खाएं बस खामोशी से। कैसी बनी? खाने तो दो अभी मुझे देर हो रही है, मुझे और ही पराठे बनाने। ओहो मास्टर शेफ अब सोचेंगे, अरे बता दे कैसी बनी यार। मैं जा रही हूँ फिर। क्या बना क्या है? कैसी बनी है बता दें। नमक वगैरह सही है? कम तो नहीं है? सुबह का नाश्ता ये सही लगता है है ना? तोरे पराठा जिस जगह सही होती है, कभी लोग भी बना ली तोरे बना ली नहीं, बाकी बड़े मजे की लग रही है। अच्छा लग रहा होगा। एक और बना दो पराठा, छोटा सा बना दो एक और। हाँ लाइट से बना दे, लगा देना थोड़ा। तो आज मैंने जहांगीर को अपना कैमरा मैन बनाया है ना भाई, क्योंकि मम्मा का ट्राइपॉड टूट गया यार, मुझसे खुद से ही टूट गया। तो मम्मा क्या बना रही हो अब? मैंने बेटा तुरई की सब्जी और वो पराठा, मेरी फेवरेट। अच्छी लगती है ना तुम्हें? तुम्हें पराठा एक खाना है दो? एक एक बना दो। गर्मी कितनी हो रही है। हाँ। लाइट अभी आई है, वो ट्राइपॉड टूट गया, अब देखो कब आता है। हमारे घर में जो चीज तो खराब हो जाती है वो नहीं आती, थोड़ा पीछे हो वो बहुत देर बाद आती है, बहुत दिनों बाद आती है, देर बाद ही दिनों बाद आती है। तो बस तुम्हारा एक पराठा है जी? तुम तो कर लो, फिर मैं इसका बात का बनाऊं, फिर सबसे लास्ट में मैं करती हूँ नाश्ता जी, सबसे आखिर में नाश्ता मेरा होता है जी। अच्छा आपको चाहिए पराठा? नहीं तो ये ले लें आप। नहीं मैं कह रहा चाय बन गई, नहीं तो ले लें आप वहाँ से, वो दे मुझे कप। गर्मी बहुत हो रही, तुम रहने दो, पराठे वराठे बनाना, तुम बाहर आ जाओ। ओहो बेमकसद है, गर्मी बहुत हो रही है, रहने दें आप, बाहर आ जाओ, बहुत गर्मी हो रही है। हाँ बहुत गर्मी हो रही है। मेरे हिसाब से खुद निकाल लो, तो वो स्पून सालन का जितनी आपको चाहिए ना जी, अपने हिसाब से खुद निकाल लो। सही है, नहीं गर्म नहीं है ये, ठंडा हो रहा है। हाँ गर्म नहीं है, खुद से निकाल लो जितनी चाहिए। अंडा बनाना साथ में? नहीं सालन, वो जितनी खानी उतनी लेना। तरी के साथ अंडा कौन खाता है? कभी कभार खा भी लेते हैं। बुध की छुट्टी है स्कूल की, खुल गया ऑफिस भी हो गया। जैसी पूरा डर गया, खुल रहा था ये तो हवा भर रही थी, हवा भरते हवा बढ़ते बढ़ते कुछ हो गया उसको। ए कब दे रहे जाएंगे मुझे, कब दे रहे बेटा, कब उतार के दे रहे? एक हाँ नहीं बेटा इतना बड़ा चाय के लिए, तो क्या हो गया जानकी, चाय वाला कर दो। हमारा संडे का जो नाश्ता और खाना है ना वो एक सा ही होता है, क्योंकि एक ही दिन मिलता है मैं आराम को। जानकी ऐसी है ना, क्योंकि हमारा सैटरडे भी जो है ना बहुत बिजी जा रहा होता है, संडे को बस होता थोड़ा रिलैक्स होता है। लेकिन मेरा मस उठी सुबह से उठा हुआ होता है। क्या बोलती है, सो जाओ सो जाओ, सुबह से उठा मम्मा, मम्मा उठ जाओ मम्मा। अरे भाई एक दिन तो सोने दो, जैसे बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना उनकी रूटीन बन जाती है सुबह जल्दी उठने की। जहांगीर का तो बड़ा क्रिस्पी सा पराठा बना है भाई, जबरदस्त वाला लच्छेदार पराठा।
नहीं रक्षा नहीं रक्षा नहीं लच्छा पराठा। चलो भाई बात हो गया, जहांगीर का नाश्ता ये हो गई, बाबा की चाय। चलो भाई आपका बनाना है छोटा सा पराठा। चलो भाई हम सर चाय नहीं गिरा देना बाबा। लो चाय, लो चाय। चलो तो तुम्हारी फ्रेंड भी आ गई, चलो संडे मनाओ अपना। तो पढ़ नहीं बैठ जाना भाई, खा लिया अंडा बना दूं, यानी कि आपके लिए अंडा बना दूं। सही है ना, आपके लिए अंडा बना दूं। आप खा कर आई हो, नाश्ता कर लिया आपने, क्या करके आई हो? अंडा है, अंडे ही चलते हैं सबके। चलो सही है, तुम्हारे लिए भी अंडा ही बना रही हूँ मैं, ठीक है? चलो तुम दोनों बैठ के खेलो फिर। और अच्छा आपके पापा ने तेल लगा दिया था? हाँ, आपको तो लगा हुआ, अभी नहाने चले जाना, ठीक है ना? चलो सही। तो बस यही थी हमारी संडे मॉर्निंग रूटीन जो कि मैंने आप लोग साथ शेयर करी, और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रूटीन थी आज की। वरना कभी कभार ऐसा भी होता है कि काफ़ी बोरियत वाली भी रूटीन होती है और काफ़ी ज़्यादा लेजीनेस भी होती है, लेकिन आज तो खैर मुझे काम बहुत ज़्यादा करने को है। इंशाल्लाह उसका व्लॉग जो है ना आप लोगों को बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला सरप्राइज़ आप लोगों के लिए। खैर यहीं पर मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मज़ा आ गया। तुम नहा लेना इसके बाद, मज़ा आ गया। जब से मेरे बाल गए ना बच्चों की वजह से डर लगता है। जब से मेरे बाल गए ऐसे बाल थे मेरे जाने की जैसे माशाल्लाह मेरे बच्चे नहीं, वैसे वाकई आपके बाल अच्छे होते थे। मेरे बेटे के ऐसे हैं वैसे, आपके भी ऐसे होते थे ना, क्या दौर था वैसे है।